नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। देखिए, जो खबर हम आपको बताने आए हैं वो खबर पहले ही आपको जानकारी दे दें कि बिहार के मुखिया सरपंच समेत पंचायत के जितने भी मतलब ज्यादातर जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर, और इन्हें लेकर अच्छी खबर है और एक जिम्मेदारी वाली खबर है। सबसे पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जो बड़े फैसले ले रहे हैं उसमें आप जानते हैं कि हाल के दिनों में उन्होंने क्या किया है। 18,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की नौकरी एक बार फिर से जहां नीतीश कुमार ने बहाल करने की बात कही है, वादा किया है, तो वहीं दूसरी बात यह है कि अब बिहार के पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी आमदनी बढ़ने वाली है, और ऐसा आश्वासन नीतीश कुमार ने खुद दे दिया है। तो चुनाव से पहले एक के बाद एक कई बड़े स्टेप, और चुनाव से पहले एक के बाद एक नीतीश कुमार के कई बड़े फैसले। हालांकि पंचायतों की बात करें तो नीतीश कुमार की ओर से, या यूं कहें कि बिहार सरकार की ओर से, यह भी कहा गया है कि काम करने के तौर तरीकों को बदलना होगा और लोगों को एकजुट होकर चलना होगा। एकजुट आपको करने की जिम्मेदारी है लोगों को, और इसके अलावा आपको पंचायतों में कार्यों को संपादित कराने की जिम्मेदारी है और ठीक ढंग से कार्यों का निर्वहन कराने की जिम्मेदारी है। तो देखिए, नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में युवाओं के अलग से खेल विभाग के गठन का ऐलान करने के बाद चयन मुक्त की गई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को फिर से बहाल करने का फैसला लिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी है। बिहार सरकार ने मुखिया समेत सभी पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब ऐसा फैसला उन्होंने कैसे लिया और क्यों लेना पड़ा? तो दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित अपने आवास में मुखिया, उपमुखिया, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्यों और पंचों के एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमंडल ने अपनी समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को भरोसा दिलाया कि उन्होंने जो मांग रखी है उसे ध्यान में रखते हुए मुखिया, उपमुखिया, सरपंच, उपसरपंच, वार्ड सदस्यों और पंचों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि पंचायती राज को और भी मजबूत किया जाए और गाँव की समस्याओं का जो है त्वरित समाधान करने की बात भी मुख्यमंत्री ने यहां पर कही, और कहा कि टोलों में और जो गांव है वहां गली, सड़कें और नालियां जो हमने बनवाने का काम किया है उन सब की मरम्मति हो या फिर उनका पुनर्निर्माण हो, इन तमाम चीजों को आपको देखना होगा, जिसमें पंचायतों के सभी लोगों की समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे आपको करना होगा। पंचायत भवन भी हमने बनवाया। आप सभी जनप्रतिनिधियों से, यह भी नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा आग्रह है कि समाज में सभी को साथ लेकर चलें और समस्याओं का समाधान करें। विकास कार्यों की सतत निगरानी भी करनी होगी, लगातार काम करने का निर्देश दिया है नीतीश कुमार ने। गांव के विकास हैं उनकी निगरानी करते रहें, ऐसा भी कहा है, और यह भी कहा है कि बेहतर ढंग से काम करेंगे तो जो मांग की है आप लोगों ने उसके आधार पर मानदेय सम्मानजनक तरीके से आपका बढ़ा दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें नीतीश कुमार ने कही है, और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुखिया को 2500, उपमुखिया को भी 1200 और वार्ड सदस्य को 500, सरपंच को, उप सरपंच को 1200, इसके अलावा पंच को 500 वेतन के तौर पर मिलता है, और इन तमाम चीजों में जो है बढ़ोतरी की जाएगी। तो नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले, ये मांग कई महीनों से चल रही थी। ग्राम पंचायत के जो या पंचायतों के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो लगातार राजधानी पटना में भी आ रहे थे और अपने हक हकूक की बात तो कर ही रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन कुमार से जो शिष्टमंडल मिला है उसकी मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने आश्वासन भी दिया है और कहा है कि बेहतर ढंग से काम करिए, बढ़िया से काम करिए, गाँव की तरक्की पर नजर डालिए, सबको साथ लेकर चलिए और जो काम किए गए हैं उसकी निगरानी करवाइए, और अच्छा लगा अगर आपका काम तो आपके मानदेय में वृद्धि हम जरूर करवा देंगे। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।